जो गरीब सुअर के साथ जिसका बच्चा सो रहा है, जो बकरी के साथ जिस दलित का बच्चा सो रहा है, उसको भगवान रामलला से क्या मतलब है? जिस सनातन धर्म में आपने उनको अछूत मान के रखा, 70 साल की आजादी के बाद भी, आज तक 70 साल के आरक्षण के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिला, रामलला के आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उस दिन इस देश में जो SC ST का बैकलॉग है, जो अति पिछड़ों का बैकलॉग है, उस बैकलॉग के बहाली अनाउंस कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सच्चे राम भक्त हैं। आखिर जदयू के मंत्री अशोक चौधरी इतने गुस्से में क्यों चिल्लाने लगे? देखिए, जदयू कार्यालय में अशोक चौधरी के साथ तमाम नेता मंत्री मौजूद थे और वहीं पर PM मोदी को भर दम सुनाने लगे, आरक्षण को लेकर जमकर बवाल होने लगी। देखिए, जदयू के सबसे बड़ी रैली होनी थी 5 तारीख को, लेकिन उसे 24 तारीख में तब्दील कर दिया गया। वेटनरी मैदान में यह बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा और उससे पहले विधानसभा शीतकालीन का सत्र चलने वाला। क्या आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा? तमाम बातों पर चर्चा की जा रही है, लेकिन अशोक चौधरी ने जो सुनाया है वह सुनकर आप भी हैरान रह जाइएगा। आरक्षण से लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा राम मंदिर क्या मिल जाएगा, राम मंदिर से जो करना चाहिए ये वो नहीं कर रहे, लेकिन आओ जाओ बक रहे। अशोक चौधरी क्या कुछ कर रहे, जरा वो सुनिए। नहीं, अगर इंडिया के जगह पर भारत बोलना है तो देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत दिखाना चाहिए और पार्लियामेंट में स्पेशल लाकर के बिल लाना चाहिए कि अब इंडिया नहीं भारत होगा। ये अपने बैकडोर से NCERT और फलना से क्या करवाते हैं? NCERT को क्या है? NCERT को क्या राइट है कि इस देश का इंडिया हो, भारत हो? इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, भारत हिंदी में बोलते हैं, इसमें क्या बिदंगड़ा खड़ा करना है? क्योंकि एक गठबंधन बन गया, इसके लिए आप पूरे देश का नाम बदलना चाहते हैं? इस देश का ये जरूरत है ना कि ये जो रहर का दाल 55 रुपया से 185 रुपया हो गया, देश ये चाहता है कि कैसे 100 रुपया से नीचे आए। 50 रुपया, 500 रुपया पर जो आप सिलेंडर लेके घूमते थे सर के ऊपर, और आज 1100 रुपया सिलेंडर हो गया, देश ये चाहता है कि फिर से कैसे 500 रुपया से 300 रुपया सिलेंडर हो जाए। उस पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इंडिया, भारत, 22 जनवरी को राम मंदिर के दिन, जिस दिन आप राम मंदिर का कि रामलला के आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उस दिन इस देश में जो SC ST का बैकलॉग है, जो अति पिछड़ों का बैकलॉग है, उस बैकलॉग के बहाली अनाउंस कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सच्चे राम भक्त हैं। आपने अनुसूचित जाति जनजाति का बैकलॉग क्लियर नहीं किया, अभी तक देश में बैकलॉग बना हुआ है। आप बेरोजगारी के लिए उसी दिन रोजगार का मेला भी लगाइए पूरे प्रदेश में कि हम बेरोजगारी के दिन, जिस दिन रामलला की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, उस दिन हम रोजगार मेला भी लगाएंगे। उस दिन आप महंगाई के लिए कटौती करने के लिए उस दिन भी करिए, तब ये कॉम्पैक्ट आपका ये कॉम्बिनेशन होगा, एक तरफ धर्म, एक तरफ रोजगार, एक तरफ महंगाई, तब माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए लड़ रही है। आप सिर्फ राम मंदिर का निर्माण करा करके, रामलला को बैठा करके, जो गरीब सुअर के साथ जिसका बच्चा सो रहा है, जो बकरी के साथ जिस दलित का बच्चा सो रहा है, उसको भगवान रामलला से क्या मतलब है? जिस सनातन धर्म में आपने उनको अछूत मान के रखा, 70 साल की आजादी के बाद भी, आज तक 70 साल के आरक्षण के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिला, और आप आउटसोर्स करके सब रोजगार को बांट दे रहे हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है इससे?